नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज़। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिले में गेहूं खरीद केंद्रों का बुरा हाल है, कहीं कांटे खराब हैं तो कहीं कहीं जगह न मिलने से किसान परेशान है। आलम है कि अव्यवस्था इतनी है कि किसान उससे उबर नहीं पा रहा। किसान गर्मी में परेशान हो रहा है, वहीं केंद्र संचालक किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। इसके चलते आए दिन केंद्रों पर किसान और केंद्र संचालकों में नोकझोंक हो रही है। हमारी टीम ने गेहूं खरीद केंद्रों का हालचाल जाना तो केंद्रों पर समस्याएं हावी नजर आई। किसान कहता है ये भारतीय किसान यूनियन के नेता, कितने लोगों को तुमने इंतजाम दिया? हमने सबका लिया, क्षेत्र के किसान लाएंगे हम। उस दिन सुसाइड कर लेते माँ बहन की, भारतीय किसान यूनियन के दे रहे बराबर हमें 16। अभी से हम यहाँ से भागे जा रहे हैं। हम अभी अपने आप को खुदकुशी कर ले जाके, अभी हम जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता और कोटेदार नहीं बताते। जिले में सरकारी गेहूं खरीद करने के लिए 5 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके लिए 60 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन लगभग ज्यादातर खरीद केंद्र पर बिचौलिया हावी है। हमारे साथ गाली दे रहे हैं किसानों। कितने लोगों गेहूं ले रहे हैं? हम सबका ले रहे हैं, हमारे पास से कोई ऐसा नहीं गया। इन्होंने बहुत हमें गाली दी, फोन पे गालियां दी। हमने मुकदमा लिखा बना, मुकदमा कराएंगे। एक बार तो पीटे थे कचहरी में। कौन है? हमने तुम्हारे कुछ तुम्हारे कृषि उत्पादन मंडी समिति स्थित राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कमालगंज सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष दुर्गा नारायण मिश्रा तथा केंद्र प्रभारी सुनील कुमार पांडे में जमकर वाद विवाद हुआ। जिलाध्यक्ष ने बताया कि श्री बहुत देगा मैं तो क्यों जैसे स्थिति हाँ, क्यों पैदा हुई? क्या स्थिति पैदा हुई बताओ? हम अपनी दवाई ले रहे थे, हम पर्चा दिखाएंगे उस दिन का। हम स्थिति क्यों पैदा हुई दिन तौल भाई? एक मिनट, 3 दिन से गांव लगाए व्यापक क्या ये सबका ले रहे, सबका तुला जा रहा है। किसी मुंह में लगी कोई भी शिकायत आ जाए मारे जाए, जगह नहीं है तो रंबे वाले मना करते हैं। पंडित जी कल श्रृंगीरामपुर निवासी अमित मिश्रा, वेद प्रकाश व राजीव कुमार अपना गेहूं लेकर मंगलवार को केंद्र पर आए थे। उन्हें ये कहकर टरकाया गया कि अधिकारी के निर्देश पर मंगलवार व शुक्रवार को खरीद नहीं होती। क्या नाम है आपका? धनीराम। जो सरकारी गेहूं कांटा लगा है जी, वहाँ आपका गेहूं लिया जा रहा है? सरकारी खरीद केंद्र पर आपका गेहूँ लिया जा रहा है? हाँ लिया जा रहा है। तुल क्या गेहूँ? नहीं अभी लगा है, केवल उठने की वजह से नहीं। कल SDM साहब आए, तुमने कह गए तो आज तुल लगेगी कि नहीं लगेगी? अब ऐसा समय आए तब बताए वो। तो कल से आपका गेहूँ अभी तक तुला नहीं गया? परसों का भी गेहूँ लगा है, यहाँ कल लगा हुआ। किस गांव से आए? अस्थल से आए। अस्थल से आप बताओ क्या समस्या है? अभी 4 बार फोन लगा के पूछा थे, पांडे जी कहाँ हो, पांडे जी कहाँ हो, पांडे जी 15 मिनट के कहते 2 घंटे बाद अभी आए हैं। देखो अभी खानापुर भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपका गेहूँ कब से लगा है? गेहूँ तो अभी आया, एक गेहूँ एक लाट परसों की लगी है, हम तो आज ही लगा। क्या कह के आ रहे हैं? तो ले खाते देख रहे हो क्या कह रहे हैं, अभी शाम को देखेंगे। तो आए हैं। क्या नाम है? नरसिंह। गांव से? कढ़ैर से। क्या समस्या? सर जी 3 दिन हो गए हम लोगों को गेहूँ लाए हुए, अभी तक हमारा गेहूँ नहीं तोड़ा गया और तोड़ लिया जाता है। जो 3 दिन हमसे बाद में जो ट्राली आए वो तोड़ गई, लेकिन हम लोगों के लिए क्या कारण है? 3 दिन बता दिए सर जी, क्या कारण है? बिचौलियों को तोड़ लिया जाता होगा, इसमें ऐसे समझो कि गेहूँ जो 4 साल वाला भूसा जिसमें आटा निकल रहा था वो गेहूँ तुलकर चला गया और हम लोगों को गेहूँ तोड़ा गया। गेहूँ तोड़ा गया आज? नहीं, परसों तोड़ा गया था। नहीं, क्या कारण, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा आपका? यहाँ लेबर ही वर्क नहीं है, कहीं लेबर बता रहे, कहीं बता रहे कि अभी जो है हो रहा है, काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। कल दिन भर तो ट्रा ही तुड़ पाए। क्या कर रहे हैं? सर जी बैठे हैं, घर से खाना मंगाते हैं और खाते हैं आराम से। कितना आया गेहूँ आपका? गेहूँ हमारा 73 बोरी 74 बोरी ये लगा हुआ है ट्राली में। लगभग क्विंटल कितना? लगभग 100 के आसपास होगा। 2 क्विंटल लगभग। भागियों नेता तो किसानों की समस्याओं को लेकर
भिड़ते रहे, पर केंद्र प्रभारी फूट फूट कर रोते रहे। केंद्र प्रभारी कह रहे हैं कि भाकियू नेता उन्हें अभद्र गालियां दे रहे हैं, वे गालियां नहीं सुन पाएंगे, वे आत्महत्या कर लेंगे। किसानों को किसी भी तरीके से मदद न दिला पाने से बुरी तरीके से गुस्साए भाकियू अध्यक्ष दुर्गा नारायण मिश्रा ने बताया कि केंद्र प्रभारी सुनील पांडे कहते हैं कि डीएम से कहकर उन्हें सस्पेंड करा दो। हकीकत है कि पल्लेदार तक उनकी बात नहीं सुनते। केंद्र पर किसानों की अपेक्षा बिचौलियों का गेहूं लिया जाता है। ये बिचौलिया 1550 रुपए में किसान का गेहूं खरीद कर 1630 रुपए कुंटल के हिसाब से केंद्र पर देते हैं। हाँ, क्या क्या बात है? बता रहे जो कह रहे हैं कि हम आएंगे तब तो लेंगे। कब भेजे आएंगे? क्या बजे आएंगे? नहीं, वो तो छुट्टी में, पता नहीं है जाने उनका। बनी है पूरी, बताइए अपने शब्दों में। ये बता रहे हैं कि हमारा यहाँ कागज जमा था, तो कि अब दोबारा ले आना, तो कि अब तुम हमको दोबारा हम आए जब तब लेके आओ, तब तक अपना ले जाओ। वापसी कर रहे हैं? और तो आप मुझे बताइए वापसी कर रहे हैं? नहीं, वो बता रहे हैं हम जब आएंगे तभी तोलेंगे, तो उससे पहले नहीं तोलेंगे। तब तक खड़े रहेंगे? खड़े तो घर जाओ, सोमवार को आना। हमने बताया, हम तो लेके आए बाजार में खड़े, तो भाई इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तुम्हारा बंदा है उसे बता दो, तोल ले। नहीं, लेकिन हम तो वहाँ पूछताछ की है, तो कहीं कोई कि नहीं, इस तरह की बात बताइए हमारे सामने। कांटेदार जो कांटे भी जो तौल वाले हैं, वो नहीं आती बैठा चुके हैं, खेत वाले किसान को बैठा लेते हैं, उन्हीं से आप लोग पूछताछ कर लेते हैं। अचानक छापे में आपको मालूम पड़े, आज हम लोग जब पहुँचे हैं तो किसान थे, उन्होंने बताया 3 दिन से खड़े हुए हैं, अभी तक तौल नहीं हुए। जबकि कल मैं एक भी ट्रैक्टर खाल मतलब खड़ा नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम तुरंत जो वहाँ के सचिव हैं, मंडी के सचिव को, उनको मैं निर्देशित, इस तरह की आइंदा जो है कई वो न हो, जाकर खुद देख लें। जिस दिन किसान आए उसी दिन उसको ले लें, उसका गेहूं अनाज जो है उसी दिन ले लें। हालांकि मैं कल दोनों जगह देखा, इस तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं की। किसानों से भी मैंने पूछा, कोई नहीं बताया कि मतलब 2 दिन से ऐसा कहीं कुछ मतलब नहीं। वापस ले गए इसका खुश है, खरीद बढ़िया हो रही है और लक्ष्य से ऊपर माया खरीद जा रही है। व्यवस्थाएं सही हैं? सारी व्यवस्थाएं सही। कई जगह शिकायत है कि कई कई दिन रुकना पड़ रहा है किसानों को केंद्रों पर। बाई चांस कहीं हो गया होगा ना, वरना पेमेंट भी सही टाइम पर हो रहा है और किसी को दिक्कत नहीं। मैं स्वयं खरीद केंद्रों में जाकर चेकिंग भी करता हूँ और किसानों से पूछता भी हूँ, और अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है उसे दूर करनी।